हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत, आप देख ही रहे हैं लगातार 6 बजे से हम एक ही अपील कर रहे हैं आपसे कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मोहब्बतें जैसी फिल्मों में आवाज देने वाली बॉलीवुड की मशहूर सिंगर श्वेता पंडित इटली में क्वारंटीन में है। देखिए, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो शेयर कर श्वेता ने इटली की स्थिति के बारे में बताया है। इटली में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और अब स्पेन उसको ओवरकम कर रहा है। जी हाँ, और इटली में हालत ये हो गई है कि चीन से भी आगे इटली निकल गया है मौत के आंकड़ों में भी और संक्रमण के आंकड़ों में भी। लेकिन इटली में आखिर स्थिति इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ी और भारत इस डरावनी स्थिति तक कैसे ना पहुंचे, ये जानने के लिए श्वेता पंडित का ये वीडियो आप देखिए और पसंद आए तो @kumkum26 मेरा ट्विटर हैंडल है, बताइए खबर कैसी लगी आपको। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज़ आती है और ये मैं सच कह रही हूँ आप सबको और बहुत दुख के साथ कह रही हूँ। भारत बहुत बहुत लकी है कि ये बाद में आप तक पहुँचा है। कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा जहाँ पर आफत मचाई, लोगों की जाने ली, मैं आज उसी देश में हूँ, इटली में। ये श्वेता पंडित है, इटली में अपने पति के साथ क्वारंटाइन में है। आप बीती सुनाते हुए सिंगर श्वेता ने भारत में लॉकडाउन होने पर खुशी जताई। नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में आपने सुना होगा किस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है, इतना कि आज भारत का 21 दिन का लॉकडाउन भी अनाउंस हो गया, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। श्वेता और उनके जैसे कई लोग इटली सरकार के लॉकडाउन लगाने से पहले से अपने घरों में कैद हैं। दोस्तों, मैं खुद पिछले 1 महीने से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हूँ और ये उससे पहले जब यहाँ की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया था। श्वेता ने बताया लोगों में कोरोना को लेकर कितना डर है। जब हमें पता चला कि एक ऐसी बीमारी यहाँ फैल चुकी है जिसका हमें पता भी नहीं कि ये कब हुआ और किससे मिलने से हुआ और ये एक साधारण सा सर्दी जुकाम है या कुछ और, जब तक आदमी अपने डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ से अस्पताल जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसे आईसीयू की ज़रूरत है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब इटली का सबसे डरावना अनुभव सुनिए। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज़ आती है और ये मैं सच कह रही हूँ आप सबको और बहुत दुख के साथ कह रही हूँ। भारत बहुत बहुत लकी है कि ये बाद में आप तक पहुँचा है। श्वेता ने अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचा। मन तो बहुत था कि मैं फ्लाइट पकड़ के भारत वापस आ जाऊँ उसी दिन, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये गलती से भी मुझ में पहुंच जाए और मेरे थ्रू वहां आते आते दूसरों को पहुंच जाए। ये डिसीजन मैंने खुद लिया, ये मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नहीं समझाया या सिखाया या कोई मुझे लेटर लिख के नहीं दिया कि आपको ऐसा करना है। ये मैंने खुद सोचा क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा चाहती थी और मेरे साथ ही साथ दूसरों की भी। अपने देशवासियों को श्वेता ने एक मैसेज दिया। मैं चाहती हूँ आप सब लड़ें, हमें से पछाड़ें, घर पे रहिए, हाथ धोइए, अपने परिवार वालों से भी दूर से बात कीजिए और दोस्तों से तो सिर्फ फोन या वीडियो कॉल पे बात कीजिए, कुछ पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, आराम कीजिए, सेफ रहिए। जय हिंद। तो देखिए, जो जागरूकता श्वेता फैला रही ना, वही आपको जागरूकता चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी दिखती नहीं है, पता भी नहीं चलती आपको कब पकड़ लेगी। आप घर में रहेंगे तभी आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, घर में बंद रहो, भीड़ मत लगाओ। सख्त कार्रवाई हो रही है लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ लोगों ने सब्जी मंडी में भारी भीड़ लगा रखी है। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की सब्जी मंडी की, कालूपुरा की सब्जी मंडी की तस्वीरें देखिए आप।
देखिए अहमदाबाद के कालूपुरा सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर है। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स में हर कोई ये कह रहा है कि भीड़ मत लगाइए, लेकिन यहाँ तो वो सब कुछ हो रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच ऐसी तस्वीरों के साथ हमारे साथ अब अगले कुछ सेकंड में इसी स्क्रीन में डॉक्टर नीलम मोहन जुड़ गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोलॉजी की, इसके अलावा हेपेटोलॉजी को लेकर भी आप बेहतर तरीके से ज्ञान रखती हैं। डॉक्टर आपसे ये जो भीड़ जुट रही है, जो तस्वीर हमने गुजरात की दिखाई, इसी को लेकर मैं पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। हम लगातार कह रहे हैं दूर रहिए लोगों से, भीड़ से दूर रहिए, लेकिन क्या लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, या फिर ये वाकई ऐसा हो सकता है कि क्या पता हमको ना ही हो? जरूरी थोड़ी है कि हमारे राज्य में इतने मामले आए कि हमको हो ही जाए। राइट, नमस्कार, शुक्रिया मुझे एबीपी पर जोड़ने के लिए। अब पहले तो मैं ये बताऊंगी, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था करोना, मतलब कि कोई घर से ना जाए, उसका इसलिए कहा गया था कि कोई ना रोए, ताकि आपको जब ये बीमारी लगेगी तो आपके या आपके परिवार को रोने की स्थिति ना आए। तो ये चीज़ मोस्टली ये होती है कि जब तक हम ये समझाएं नहीं कि ये क्यों करना है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी कम होती है। और क्योंकि ये इतनी चीज़ सडन आई है, वो एक्सेप्टेंस मैं दूसरों में नहीं, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में ये देखती हूँ। एक्स्पेशली यंग एज में ये एक्सेप्टेंस आना बहुत मुश्किल लग रही है कि उनको कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हमें नहीं होगा, किसी और को होगा, क्योंकि ये जो इनविजिबल एनिमी है वो उन्हें नहीं दिख रहा है। तो मैं ये उनके लिए बताना चाहूँगी कि ये किसको हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जो एसिम्टमैटिक है, देखने में जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो वायरस मेरे अंदर इंक्यूबेशन पीरियड में अभी पड़ा हो और मैं 1 से 14 दिन तक मुझे ना हो, लेकिन मैं किसी और को देती चले जाऊँ। तो इसमें मैं ICMR की एक मैथमेटिक्स जो वर्ल्ड वाइड लोगों ने बनाई है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली जब एक आम आदमी घूमता है तो एक आदमी मिनिमम 2.5 या 3 आदमी को दिन के कंटैक्ट कर सकता है, जिसको वो दे सकता है। तो इस तरीके से वो चेन बढ़ती जाएगी, वो और आगे देते जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज बताया गया है कि एक आदमी, चाहे वो इन्फेक्टेड हो या वो कैरियर स्टेज में हो, वो कम से कम 4-5 हज़ार को दे देगा। हम ये क्योंकि वो कड़ी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ दिखाना आपको चाहूँगी कि इस तरीके से जब वो इंसान की पीक आती है, इतने सारे केसेस हज़ारों में, जैसे आप देख रहे हैं अमेरिका में भी 50,000 हो गए, या इटली की बात हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है, उन सब में ये पीक पे जा रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि स्टेज 3 स्टेज 4। थोड़ा ग्राफ को आप ऊपर की तरफ रखिए ताकि कैमरा उसको कैप्चर कर सके। थैंक यू सो मच। ये अपनी बात जारी रखिए डॉक्टर। राइट, तो इस तरीके से जो ग्राफ, हाँ जी, तो ये जो पीक है, ये पीक इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसको संभालना मुश्किल है। क्योंकि ये जो नीली लाइन मैंने उतारी है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटी है, चाहे वो अमेरिका की फैसिलिटी हो, इटली की फैसिलिटी हो, हम बात कर रहे हैं कि 1,000 में एक डॉक्टर हो, तो वो भी इस फैसिलिटी को नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें पूर्ण तरीके से, मैं दोबारा बताती हूँ, हमें पूरे तरीके से मालूम है कि जो इंडिया की फैसिलिटी है कि 2,000 में एक बेड हो, या डॉक्टर्स की जो भी कमी स्टेटस पे, ये जो हमारी ब्लू लाइन, ये इतनी कम है, हम ये लाइन पे नहीं जा सकते। इसीलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हम चाह रहे हैं कि ये लाइन ऊपर ना जाए, ये लाइन इस तरीके से नीचे ही बनी रहे। इसीलिए हम कह रहे, हाँ जी, आप बहुत अहम बात कर रही हैं मैम, लेकिन अभी तक मेरा एक सवाल है मैम को इंडिया जी, आप हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रही हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है तो हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। और इस बीच अब एक लैंसेट स्टडी का हवाला दिया जा रहा है कि अब मक्खियां भी जो है वो कैरियर हो सकती है इस वायरस की, तो हमें कितना सावधान होने की जरूरत है ऐसे में? मैं
वेल ऐसे है कि ये जैसे ये बीमारी के बारे में सच तो ये है कि सबको किसी को ज़्यादा नहीं पता था। बेसिकली कोरोना वायरस तो पहले से ही थी, ये इसमें दूसरे दो छः वायरसेस बताते थे हम, जो अल्फा और बीटा वायरसेस बताते थे। तो एक जो बीटा वायरस थी उसमें एंटीजेनिक शिफ्ट आ गया। जैसे हमारे जो वायरस क्या होती है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, चलो समझो आप ए बी सी डी ई, वो अपने आप को बचाने के लिए वो ए बी डी सी ई ए डी बी ई ऐसे तरीके से शिफ्ट होती रहती, चाहे वही प्रोटीन हो लेकिन वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को अपना बदलती रहती है। तो आप देखते हैं कि हर साल फ्लू की वैक्सीन आती है, हर साल फ्लू होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लू की भी वायरस है वो भी एक एंटीजेनिक शिफ्ट करती है। तो ये वाली कोरोना वायरस जो थी इसका हमें कोई पता नहीं था कि इस टाइम में ये ऐसे शिफ्ट और आने की स्थिति नहीं थी, इसीलिए सब परेशान थे। क्योंकि चाइना में ये सोचा जा रहा है कि चाइना कोरोना वायरस बेसिकली जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मीन्स जानवरों में से होते हुए इंसान में आती है। तो जो और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बाद में होता है लेकिन आती वहाँ से है। तो ये कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, म्यूराइन मैमल्स पोर्सीन एसेक्ट्रा। लेकिन जो ये वायरस है नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, इसका 90% स्ट्रक्चर बैट से मिल रहा है, बीएटी बैट। तो और जो एसओवी जो सीवियर वायरस जो पहले आई थी 2002 की, उससे 70% मिल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो चाइना की वेट मार्केट है, वेट मार्केट का मतलब चाइना में ही ऐसी मार्केट है दुनिया में जहां वाइल्ड लाइफ की बिक्री होती है, जैसे ऐसे पशु पक्षी रखे जाते हैं जो आम तौर पर। डॉक्टर मैं आपको बीच में रुकूंगा, एक चीज समझना चाहेंगे हम कि जो 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया है वो 21 दिन के लॉकडाउन के पीछे क्या लॉजिक है? कोई क्लिनिकल रिसर्च है या कोई नई रिसर्च आई है जो ये बता सके कि 21 दिन के लॉकडाउन से ही इस बीमारी को हराया जा सकता है? नहीं, उसके लिए मैं यही, तो जैसे जैसे मैं उनको बता रही थी नई नई चीजें पता चल रहे, तो ये भी हमें पता चल रहा है। हम सोचते थे कि ये एयरबॉर्न नहीं है, एयरबॉर्न मतलब हवा से नहीं जाएगी, लेकिन ये देखा गया कि जब हम छींक रहे हैं तो वो कपड़ा पे जो गिरता है पार्टिकल्स या हाथ पे, वही इन्फेक्टेड नहीं, हवा में भी थोड़ी देर तक वो पार्टिकल्स जीवित है। जैसे हम बोल रहे हैं कार्डबोर्ड पे जीवित है, पेपर पे जीवित है, प्लास्टिक पे जीवित है, प्लास्टिक पे तो 3-4 दिन जीवित है, वैसे ही अब नहीं, जो WHO ने लेटेस्ट बताई है कि हवा में भी वो पार्टिकल थोड़ी देर तक जीवित है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अल्ट्रावायलेट रेज इन दैट एरिया। तो जो 21 दिन का बताया गया, वापस मैं उस पर आके ये बताती हूँ कि जो ये इंक्यूबेशन पीरियड टोटल हमने आपको 14 दिन बताया, तो कौन सा इंसान एसिम्प्टोमेटिक पीरियड है और वो कब इस कड़ी पे ज्वाइन करे, यूजुअली 7वें दिन तक ये इन्फेक्शन मीन लेवल पे अगर हम ले लें, एवरेज तो आती है। तो इसीलिए हेल्थ वर्कर्स ने और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने, ये एपिडेमोलॉजिस्ट ने ये प्लान किया कि अगर हम 21 दिन रखते हैं तो ये जो मैंने पीक बताया वो पीक को हम कम कर पाएंगे और वो 66% हम कम कर पाएंगे। और वो ग्राफ कम्युनिटी में केसेस आएंगे, ये मत सोचिए कि आप नहीं आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि 23 तारीख को 500 के करीब केस थे और कल रात के 8 बजे तक जो डेटा था वो अराउंड 580 प्लस डेटा था। तो केसेस तो आ रहे हैं, तो वो केसेस लेकिन कम मात्रा में आएंगे। तो 21 डेज में हम वो 14 दिन प्लस वो नेक्स्ट 7 डेज का एवरेज लेके मान रहे हैं कि इसको आएगी। और जैसे मजाक में या सच में आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन हुई थी, तो वो हमें 21 दिन को दे रहे हैं इस युद्ध को लड़ने के लिए। फर्क ये है कि ये युद्ध, ये इनविजिबल एनिमी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नीलम मोहन, और आपने यकीन मानिए बहुत ही आसान भाषा में दर्शकों के आगे हर बात रखी है। जो 21 दिन का लॉजिक दिया गया, 21 दिन का लॉकडाउन दिया गया, क्यों दिया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा नहीं है कि ये 21 दिन के बाद या 21 दिन के दौरान ये महामारी नहीं फैलेगी, लेकिन इसका फैलाव कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात को समझिए कि हम जिस तरह का देश है, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को अगर चैलेंज मिल गया तो हम उसे मीट नहीं कर पाएंगे, हम इतने तैयार नहीं है, इसीलिए हम सावधान रहें, इसी में हमारी भलाई है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।